आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे पेशेंट मिस्टर उदय नारायण शुक्ला जी के बारे में, जो कानपुर निवासी हैं। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया था फरवरी के महीने में, फरवरी 2023 में। मेरे सीने में दर्द हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो दिक्कत बढ़ती ही गई। इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी 2011 में, जब इनका हार्ट का वैल्व चेंज हुआ था और एक टिश्यू वैल्व लगा था। जैसा कि इस बीमारी में होता है, अगले 10-12 साल में ये वैल्व धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और मरीज़ की फिर से सांस फूलने लगी और उसको रिपीट ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तब मैं यहाँ मैक्स हॉस्पिटल आया अपने बेटे के साथ में। मैं यहाँ पर डॉक्टर राजीव अग्रवाल से मिला, उन्होंने हमको यहाँ एडमिट करवाया और कई प्रकार के टेस्ट करवाए। उसके बाद में मुझे सर्जरी करवाने के लिए बताया कि आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। रिपीट ऑपरेशन में रिस्क को देखते हुए हमने इनको एक जो नई टेक्निक आती है जिसको हम परक्यूटेनस मिट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं, उस टेक्निक से बिना सर्जरी के, बिना चेस्ट को खोले, ये वैल्व रिप्लेस करने की पेशकश की। तो इसमें जो सर्जिकल वैल्व होता है वो बिना ऑपरेशन के पेशेंट की ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी जो वेन है उसके थ्रू जाके हमने इनके पुराने वैल्व के अंदर फिक्स कर दिया। और उसी दिन मुझे सेंस भी आ गया, कोई विशेष परेशानी नहीं, और उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, मैं घर गया। अब मेरी दिक्कत जो है काफ़ी कम हो गई है। तो मुझे खुशी है बताने में कि शुक्ला जी उसके बाद भी हमसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर फॉलोअप में हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आज भी उनका चेकअप हुआ है और वो ठीक चल रहे हैं। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल और मैक्स हॉस्पिटल का धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वैल्व में, कभी क्लॉटिंग हो सकती है, कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ये बड़ी रेयर प्रॉब्लम्स हैं लेकिन जानलेवा हो सकती हैं, तो उसके लिए आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डिक सर्जन से जुड़े रहिए और समय पे जांच कराइए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.